स्टूडेंट्स, तो एग्जैक्टली आज हम लोग डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस सीखा, मैंने आप लोगों को मैनुअल मल्टीप्लिकेशन भी बताया, मैंने आप लोगों को अनसाइंड और साइंड मल्टीप्लिकेशन भी बताया। मींस जहां साइंड में आप लगा वो बूथ्स एल्गोरिदम थी, वो अभी आप रिसेंटली सॉल्व करने वाले हो। कुछ आइडियाज एंड कुछ कैलकुलेशंस आपकी यहां पर जो बूथ्स एल्गोरिदम प्रोसीजर है वो यूज होने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख के जरूर आओ। एक डिवीजन जैसे हम लोग प्रोसेस जो नॉर्मल प्रोसेस सभी को आता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल मैनुअल डिवीजन प्रोसेस कैसे करते हैं, पहले मैं 5 या 6 मिनट में आप लोगों को वो सारी चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद ही मैं प्रॉपर एल्गोरिदम के थ्रू डिवीजन प्रोसेस आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो पहले एक बार मैं रीड आउट कर दे रहा हूँ ये जो भी थ्योरी है, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके इसी थ्योरी को मैं कन्वर्ट करूंगा कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। देखो, द बिट्स ऑफ डिविडेंड आर एग्जामिन्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अंटिल द सेट ऑफ बिट्स एग्जामिन्ड रिप्रेजेंट्स अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिवाइजर। दिस इज रिफर टू एज द डिवाइजर बींग एबल टू डिवाइड द नंबर अंटिल दिस इवेंट अकर्स। जीरोज आर प्लेस्ड इन द क्वेश्चन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हेन द इवेंट अकर्स वन इज प्लेस्ड इन द क्वेश्चन एंड डिवाइजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ पार्शियल डिविडेंड। द रिजल्ट इज रिफर टू एज अ पार्शियल रिमाइंडर। अब मैं इसको एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तभी आपको ये थ्योरी समझ में आएगी। तो प्लीज आप लोग फोकस करके देखें। सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मान लो मैंने ये आपका डिविडेंड है 1001, इसको डिवाइड करना है 11 से, ये आपका डिवाइजर है। अब रूल के अकॉर्डिंग अगर ये बाइनरी नंबर में कोई नंबर लिखा हुआ तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये 9 है आपका और ये क्या आपका 3 है, तो 3 3 9 इजिली आप लोगों का रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, वो तो आप लोगों को इजिली पता है, बट चीजें ध्यान से समझोगे आप लोग। तो देखो एग्जैक्टली जो मैंने प्रोसेस अभी थ्योरी में बताया वो ये प्रोसेस है। एग्जैक्टली करना ये है, ये आपका सॉरी 1 0 एक्स्ट्रा लग गया, 9 में सिर्फ 1001 है, ठीक है 1001, इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, 11 से। तो खास बात यह है, यह आपका डिविडेंड है, इस डिविडेंड के इंडिविजुअल डिजिट से मतलब लेफ्ट टू राइट आप पढ़ना शुरू करोगे और क्या करोगे वो मैं आपको, दो स्टेप है ध्यान से सुनना। जैसे अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या है आपका 3 और 1 डेसिमल में क्या होता है 1, तो एग्जैक्टली हम जब तक ये जो आपका डिवाइजर है ये डिविडेंड के बिट्स के इक्वल ना आ जाए या फिर बड़ा ना आ जाए तब तक हम लोग यहां पर 0 पुट करेंगे। मतलब क्या, जैसे एग्जैक्टली ध्यान से सुनो, क्या 3 का 1 से बाहर जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, तो आप कितना बार लगाओगे 0 और यहां क्या आएगा 0, क्योंकि 0 और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है 0, ये तो आप बचपन से पढ़ने आ रहे हो। सब्ट्रैक्शन करोगे 1, एक और 0 आप कॉपी करोगे यहां। अब चेक करो, क्या 11 इससे इक्वल है, नहीं है, क्या इससे ग्रेटर है, नहीं है। ध्यान से सुनना, एक चीज चेक करोगे क्या इक्वल है क्या ग्रेटर है, अगर ग्रेटर और इक्वल दोनों को कंडीशन नहीं है तो आप लोग आंख बंद करके क्वेश्चन में 0 रखोगे और 0 का मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो 0 0 आने वाला। इतनी बात समझ में आ रही है, तो एक बात बताओ, 0 में से 0 का 0, 1 में से 0 का 1 और आप लोग ये कॉपी कर लोगे तो अभी क्या हो गया 100। अब ध्यान से देखो, ये क्या है 3, 100 क्या एग्जैक्टली 4, 10 जो होता है वो 2 होता है, 1004 क्या होता है 4। तो सुनो, इक्वल तो नहीं है बट ग्रेटर है, जब भी ग्रेटर की कंडीशन आए तो क्वेश्चन में क्या आने वाला आपका 1, यही मैंने आपकी थ्योरी लिखी थी 1, और 1 का जब इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका क्या होगा 11, ठीक, और फिर क्या करोगे सब्ट्रैक्शन और क्या करने वाले सब्ट्रैक्शन करने वाले, तो एक बात और उसके अलावा सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आने वाला है जरा बताओ। देखो मैंने हमेशा सिखाया आप लोगों को सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन के दो तरीके है, एक तो ये कि जिस नंबर में से एक नंबर में से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दूसरे नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेके इस नंबर से एडिशन कराओ, एक तो वो तरीका सिखाया, एक डायरेक्ट ये है कि बोरो लेने का कंडीशन, जैसे 1 है तो जब भी आप बोरो लोगे तो हमेशा 2 बोरो जाता है 2, और यहां क्या रह जाएगा 0, जब यहां से यहां बोरो लोगे तो यहां 1 रह जाएगा, यहां क्या जाएगा 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0 और 0, ठीक है ये बात समझ में आ रही है। और उसके बाद जो लास्ट 1 है वो आप कॉपी कर लोगे। अब देखो क्या 1111 के इक्वल है ग्रेटर, दो कंडीशन चेक करते हैं, इक्वल है तभी आप क्या पुट करोगे 11 का मल्टीप्लिकेशन से करोगे तो क्या आएगा 1 और ये आपका हो गया 0, एक तरीके से नो रिमाइंडर 0। ये क्या आया आपका, हाँ जी ये आया आपका क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनो, दिस इज योर डिवाइजर। ये मैनुअल मल्टीप्लीकेशन अभी आप लोग जो मैं
जो आप लोगों को एग्जैक्टली सीखना है वो मैं अभी आप लोगों को कुछ देर में बता रहा हूँ। ये तो बस इसलिए आइडिया लगा रहा हूँ कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीजें हो रही, कहाँ जीरो पुट हो रहा है, इन सब जीरो वन का जो मैंने आइडिया बताया ना, वो आप लोगों को एक तरीके से आप इसको एनालाइज करना, क्योंकि अगली जो मैं एल्गोरिदम्स पढ़ाऊंगा उसमें इस चीज का यूज होने वाला है, ठीक है। और ये क्या है आपका क्वेश्चन, चलो एक और नंबर ले लेते हैं आपकी चीजें क्लियर करने के लिए। सेकंड एक मैंने और नंबर ले लिया, मान लो लिखा हुआ 111, कुछ भी रैंडम नंबर ले लो, इसको डिवाइड करना है मान लो 111 से। तो रूल के अकॉर्डिंग 111 क्या होता है, 7 होता है ना। अब ध्यान से देखो, 111 000, ठीक है। तो 111 हमें क्या चेक करना है, इससे ग्रेटर और इक्वल अगर ये नंबर होगा तभी ऊपर वन पुट करेंगे, वरना जीरो पुट करेंगे। तो लेकिन स्टार्ट कैसे करते हैं डिविडेंड में, लेफ्ट टू राइट शुरू करेंगे, ये जीरो है, चेक करो ध्यान से सिंगल बिट से। क्या 111 इससे इक्वल और ग्रेटर है, ऑब्वियस ही बात है नहीं है, वन है, ये क्या है 7 है, यहां जीरो आएगा, यहां भी क्या आ जाएगा 0 1, ये वन कॉपी कर लो। क्या ये ग्रेटर और इक्वल है, नहीं, तो अगेन जीरो, जीरो आएगा फिर से 0 0, तो 1 1, अगेन ये वाला कॉपी कर लो, यहां ये कॉपी हुआ था, यहां ये। अब देखो जरा, अब देखो कहानी, क्या 1 1 इसके इक्वल है, यस इक्वल है, तो आप क्या पुट करोगे 1, तो 1 पुट करते ही क्या आएगा यहां पर ये 0, तो आगे कितना भी कुछ भी उतार लो ये क्या रहेगा सब कुछ इवन 0, वो तो इक्वल ही आना है, कुछ होना नहीं, और यहां पर क्या कर सकते हो आप लोग 0, ये तो आप लोग बचपन में भी करते थे, है ना। सो दिस इज योर क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, वरना स्टेप बाय जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा था वैसे भी कर सकते हो। कैसे, देखो इस वाले नंबर में से अगर कुछ गया तो जीरो गया, तो आप एग्जैक्टली अगला क्या कॉपी करोगे, जीरो, तो जीरो क्या है इससे छोटा, तो ऊपर क्या जाएगा जीरो, ठीक। फिर से जब जीरो में से जीरो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो जीरो, फिर से जब जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो, तो एग्जैक्टली लास्ट तक आपके 3 जितने भी जीरो एंड में वो आप लोग एड ऑन कर दोगे। सो दिस इज द मैनुअल मल्टीप्लीकेशन। बट इन कंप्यूटर ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान देना, आपके जो डिवीजन की टू टेक्निक्स हैं, डिवीजन की टू टेक्निक्स कौन कौन सी है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला है आपका रीस्टोरिंग टेक्निक्स, रीस्टोरिंग टेक्निक या फिर रीस्टोरिंग डिवीजन, और जो हम लोग दूसरा पढ़ने वाले हैं वो है आपका नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन, नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, वी विल डिस्कस इट। ओके फाइन, सो दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन, वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन नेक्स्ट लेक्चर। मैं स्टार्टिंग से, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होने वाला है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पहला डिवीजन बताने वाला, रीस्टोरिंग डिवीजन। सो प्लीज वॉच माई नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।